अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद जवेरिया में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, हम भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुहर्रम उल हराम का बाबरकत महीना चल रहा है और इसमें सभी मुसलमान नजर व न्याज करते हैं। तो आज 7 आशूरा है, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं शरबत। हमने एक पतीला लिया है, उसमें हमने 5 किलो दूध डाल लिए। फ्लेम हम ऑन करेंगे और उसे बॉयल कर लेंगे। तो 5 किलो दूध में हम 3 कप चीनी ऐड करेंगे। तीन कप हमने इसमें चीनी डाल दी है, अब हम दूध बॉईल कर लेंगे। और यहाँ हमने एक छोटे पैन में 1/2 किलो के करीब दूध लिया है। अब हम इसमें कस्टर्ड बनाएंगे शरबत के लिए। तो हम फ्लेम ऑन करते हैं। हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। दूध बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है, अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। 1/2 कप दूध में हमने 3 टीस्पून कस्टर्ड डाल लिया था और उसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे दूध में ऐड करेंगे। कस्टर्ड हमने ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, इसे पतला रखना है। तो कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसे उतार लेंगे। दूध हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो शरबत बनाने के लिए हमने बादाम और पिस्ते लिए हैं। कस्टर्ड हमने बना लिया था। तो मलंगा हमने लिया है, 3 चम्मच हमने पानी में भिगो कर रख दिया था। हमने जेरियाँ लिए हैं, ग्रीन कलर के लिए, रेड कलर के लिए एंड येलो कलर के लिए। इसके अलावा हमने जामेशीरी लिया है और हम इसके अंदर डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे, अब हम इसमें बादाम और पिस्ते डालेंगे। तो हम इसमें जामेशीरी ऐड करेंगे। अब हम इसमें तुख मलंगा ऐड करेंगे। बर्फ हम डाल चुके हैं, अब हम इसमें जेरी ऐड करेंगे। एंड में हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के डालेंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आती है। तो शरबत हमारा तैयार हो चुका है। तो हमारा शरबत बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।